أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students आज हम homeostasis के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा matric का chapter number 2 है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे homeostasis के बारे में ठीक है homeostasis in plants के बारे में homeostasis in men in animals और homeostasis इन एनिमल्स हो गया ठीक है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है और डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे हम इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या किडनी स्टोन और ट्रीटमेंट के बारे में तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से ठीक है तो होम्योस्टेसिस क्या होता है तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ही लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल कंडीशन होती है उसके इंटरनल इन्वायरमेंट्स के साथ ठीक है उसमें वाटर की क्वांटिटी या डिफरेंट सॉल्यूट्स की क्वांटिटी या फिर टेम्परेचर इंक्लूड होता है ठीक है तो होम्योस्टेसिस जो है वो एक सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है ठीक है जिसमें इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन कर रहा होता है ऑर्गेनिज्म सुइटेबल लिमिट्स के साथ यानी कि जो भी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट होता है तो वो मेंटेन कर रहा होता है ऑर्गेनिज्म लिमिट्स सुइटेबल लिमिट्स के साथ ठीक है तो हमें जो है वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट क्यों कॉन्स्टेंट रखना पड़ता है ठीक है तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल लेने टेम्परेचर की ठीक है तो अगर हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो मुस्तक बदल रहा है ठीक है लेकिन एंजाइम जो काम कर रहे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हैं तो वो तो कांस्टेंट जो है वो रीजन पे काम कर रहे हैं रेंज पे काम कर रहे हैं ठीक है मतलब कांस्टेंट रेंज है उनकी जिसपे वो टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं ठीक है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरत है कि वो अपना इंटरनल टेम्परेचर जो है वो जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है उसके रेंज के हिसाब से चेंज करे ठीक है तो ऑर्गेनिज्म मेंटेन रखता है इंटरनल कंडीशन फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए अब यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म क्या है और ये कैसे प्रोसेस होता है पूरा जैसे कि अगर हम बात करें कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे पास कोई भी जो है वो डिक्रीज हुआ है यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कम हो गया है या फिर इंक्रीज हुआ है बढ़ रहा है तो डिटेक्ट होता है फीडबैक के जरिए ठीक है कुछ जो है वो फीडबैक जो है वो हमारी बॉडी के अंदर वो डिटेक्ट करते हैं उनको जो है वो फिर वो जो है मैसेज जो है वो रिसेप्टर को पहुंचाते हैं ठीक है रिसेप्टर जो है वो फिर जाके कंट्रोल सेंटर को बोलता है कि भाई कंडीशन जो है वो डिक्रीज हो गई है या फिर कंडीशन इंक्रीज हो गई फिर कंट्रोल सेंटर करेक्टिव मैकेनिज्म की तरफ जाता है ठीक है और मैकेनिज्म को करेक्ट करता है ठीक है उसके बाद जो करेक्टिव मैकेनिज्म है वो कंडीशन को वापस नॉर्मल कर देता है मतलब या तो फिर इंक्रीज हो जाता है कंडीशन या फिर डिक्रीज हो जाता है और ये डिपेंड करता है उस पर जो कंडीशन एक्सटर्नल एनवायरमेंट में हुई है ठीक है अब हम बात करते हैं कि एडेप्टेशन क्या है प्लांट की डिफरेंट इंटरनल कंडीशंस के लिए ठीक है यानी कि अगर प्लांट के अंदर डिफरेंट इंटरनल कंडीशंस हो जाएंगे ठीक है तो प्लांट की कंडीशन क्या होगी एडेप्टेशन प्लांट जो है वो क्या एडेप्ट करेगा ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास होम्योस्टेसिस के तीन एस्पेक्ट हैं ठीक है हमारे पास कौन कौन से एस्पेक्ट है ऑस्मोरेगुलेशन तो अगर हम बात करें ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है तो ये मेंटेन रखता है इंटरनल वाटर और सॉल्ट की कंडीशंस को ठीक है ऑस्मोसिस के जरिए ऑस्मोसिस आपको पता है कि ऑस्मोसिस कौन सा प्रोसेस है ऑस्मोसिस में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को जाते हैं मॉलिक्यूल्स ठीक है अब यहाँ पे थर्मोरेगुलेशन सेकंड एस्पेक्ट है होम्योस्टेसिस का थर्मोरेगुलेशन में हम पता चल रहा है कि थर्मोरेगुलेशन में हम टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे ठीक है सुइटेबल लिमिट्स के साथ ठीक है जहाँ एंजाइम जो है वर्क कर सकते हैं ठीक है एक्सक्रीशन हमारे पास थर्ड एस्पेक्ट है होम्योस्टेसिस का एक्सक्रीशन में हम क्या करते हैं हम इस प्रोसेस में जो है वो मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट जो भी होता है ठीक है या फिर जो भी एक्सेस मटेरियल होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं बॉडी से ठीक है एक्सक्रीट आउट कर देते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास अमोनिया की जीवी है अमोनिया जो है वो हम बॉडी के बाहर निकाल देते हैं यूरिया होता है यूरिक एसिड होता है ठीक है अगर हम बात करें एक्सक्रीशन या फिर स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की यानी कि एक्सक्रीट हो रहा है यानी कि निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और स्टोर हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तो वो कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिन पे एक्सक्रीट होता है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर स्टोर होता है तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो दोपहर में जो प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर ठीक है प्लांट्स के सिवा सिर्फ ग्रीन पार्ट्स जो है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस में ठीक है और इसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होता है ठीक है और जहां अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की रेस्पिरेशन जो है वो नाइट टाइम में होता है ठीक है और रेस्पिरेशन में सारे पार्ट जो है वो प्लांट के परफॉर्म करते हैं ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस और रेस्पिरेशन में जो है वो प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम एक्सक्रीशन और स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज जो है वो फोटोसिंथेसिस में होगी कार्बन डाइऑक्साइड की और एक्सक्रीशन जो है वो रेस्पिरेशन में होगा ठीक है और अगर फोटोसिंथेसिस जो है वो उसका मतलब फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो हाई हो
हो जाएगा तो रेस्पिरेशन में मतलब हाई हो जाएगा रेस्पिरेशन से, ठीक है। तो प्लांट जो है वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा हवा से और ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करेगा हवा में स्ट्रोमेटा के जरिए, ठीक है। और नाइट टाइम में सिर्फ रेस्पिरेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के प्रोसेस में से वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। और डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए पूरी बॉडी सरफेस से प्लांट की, ठीक है। और अब हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, यानी कि प्लांट जो है वो जो वाटर अपने अंदर रखते हैं, ठीक है, तो उनको रिमूव भी करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीकों से जो है वो प्लांट अपना वाटर रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से। तो पहला क्या है हमारे पास, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर रिमूव होता है वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। वेपर्स क्या होते हैं, यहाँ पे बुखारात की फॉर्म में एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यहाँ पे जो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट से जो वाटर रिमूव होता है वेपर्स की फॉर्म में ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में। तो एरियल पार्ट्स क्या है, वो एरियल पार्ट स्टोमेटा है, ठीक है। और ये जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है इसे वो सिर्फ डे टाइम में होता है, ठीक है। अगर हम बात करें ग्यूटेशन की, तो ग्यूटेशन जो है अनदर प्रोसेस है जिसमें हम वाटर को रिमूव करते हैं, यानी कि प्लांट जो है वो वाटर को रिमूव करते हैं, ठीक है, किसकी फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में वेपर्स की फॉर्म में वाटर रिमूव हो रहा था, ठीक है, और ग्यूटेशन में जो है वो वाटर रिमूव हो रहा है लिक्विड की फॉर्म में लीव्स की मार्जिन की तरफ, यानी कि लीव्स की जो साइड्स होती हैं, ठीक है, उधर जो है वो एक स्पेशल पोर्स होते हैं, यानी कि स्पेशल जो है वो सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, जो कि हाइडेथोर्स कहलाते हैं, जिनसे जो है वो वाटर रिमूव होता है ग्यूटेशन के प्रोसेस में लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है। और ये रात में होता है, ट्रांसपिरेशन दिन में होता है और ग्यूटेशन जो है वो रात में होता है, ठीक है। रात में क्यों होता है, रात में इसलिए होता है कि जब वाटर प्रेशर जो है वो हाई होता है लीव्स में और टेम्परेचर जो एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, ठीक है। अब प्लांट जो है वो मॉडिफाई हुए हैं अपनी लीव्स के साइज, स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की बिना पर, ठीक है, यानी कि जो कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट, जैसे कि लेटेक्स हो गया, रेजिन हो गया, गम हो गया, ठीक है। ये जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं ये इनसॉल्युबल होती हैं, ठीक है, हार्मलेस कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स जो है कुछ स्पेशल टाइप के जो है वो गम्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ प्लांट्स, ठीक है, जो कि जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है नीम हो गया, कीकर हो गया, ठीक है। और एक्स्ट्रा अमाउंट जो होती है इन प्रोडक्ट्स की जो कि जो है वो प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, वो रिमूव हो जाती है स्पेशल पोर्स के जरिए जो कि लेंटिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक बात ये समझ में आई कि लेंटिकल्स वो हिस्सा है जहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो निकलती हैं, स्ट्रोमेटा वो हिस्सा है जहाँ से वाटर रिमूव होता है ट्रांसपिरेशन का, और ग्यूटेशन का जो प्रोसेस है वो हाइडेथोर्स के जरिए होता है, यानी कि जहाँ से रात में पानी निकलता है, ठीक है। ये तीन जो है वो चीजें हमें बता दी गई है, ठीक है। अब जो कन्फेरस प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं रेजिन्स, ठीक है, जैसे कि मटेरियल हो गया, जबकि रबर प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं लेटेक्स जो कि रिमूव होता है इसकी से, ठीक है, ये ओपनिंग जैसी होती है। इनमें से कुछ कार्निवर्स प्लांट्स भी होते हैं जो के यानी कि जो के गोश्त खाने वाले के वो कीड़े खाते हैं, ठीक है। तो ओकरा मतलब कार्निवर्स प्लांट और ओकरा प्लांट जो है वो कुछ ऐसा म्यूकिलिजिनस जो है वो मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जो के इंसेक्ट्स को कैप्चर करता है, इंसेक्ट्स को पकड़ लेता है, जब वो इंसेक्ट्स को पकड़ लेता है